नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। कौन सा क्वांटिटी कॉन्स्टेंट रहेगा? क्या काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगा? नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, इट इज वेरिएबल। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हाँ, अगर ये वैक्यूम में मूव कर रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व्ड होगी। ओके, ये क्या है? कॉन्स्टेंट रहेगी, ये कॉन्स्टेंट रहेगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और मोमेंटम, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लीनियर मोमेंटम की बात करें तो दोनों बॉडी को, अर्थ को और उस बॉडी को अगर सिस्टम कंसिडर करेंगे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। ओके, इसलिए हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है सी।